पंजाब में 16 मार्च 2022 से आप पार्टी की सरकार बनी। चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद भगवंत मान ने पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। सियासत में 2011 में एंट्री करने वाले भगवंत मान की कॉमेडियन से सीएम तक के सफर को जानेंगे इस वीडियो में। मैं केशव स्वागत करता हूं आप सबों का अपने इस उजागर टीवी शो में। बात करें उनके कैरियर की तो पंजाब के संगरूर जिले में संतोष गांव में जन्मे भगवंत मान ने पंजाब के शहीद उद्धम सिंह गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद भगवंत मान ने कई टीवी शो में भी हिस्सा लिया, जिसमें साल 2008 का उनका द ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज मुख्य रहा। इसके बाद ही उन्होंने एक्टिंग में भी काम किया। राजनीतिक कैरियर में उन्होंने 2011 में पहली बार कदम रखा। प्रकाश सिंह बादल मनप्रीत बादल की पार्टी से उन्होंने 2012 का चुनाव लड़ा, मगर उसमें हार का सामना करना पड़ा। फिर 2014 में वह पंजाब के संगरूर निर्वाचन क्षेत्र के लिए सांसद बने। वैसे तो 2017 में भी ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बना लेगी, मगर तब ये सपना पूरा ना हो सका। पिछली बार भगवंत मान को पार्टी ने सीएम का चेहरा नहीं बनाया था, मगर इस बार उसने भगवंत के चेहरे पर चुनाव लड़ा और उसकी ये रणनीति 100% सही साबित हुई। संसद से सीएम तक की कुर्सी तक का भगवंत मान का सफर बेहद ही दिलचस्प रहा। तो ये थे पंजाब के सीएम भगवंत मान के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। तो कैसा लगा आप सबको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल।